हेलो चिल्ड्रेन वी आर डूइंग चैप्टर सेवन मोर अबाउट स्क्रैच इन विच टूडे वी विल लर्न हाउ टू चेंज द पेन शेड चेंजिंग द पेन शेड टूडेज टॉपिक इज चेंजिंग द पेन शेड इन स्क्रैच पेन ब्लॉक इंस्ट्रक्शन आर यूज टू ड्रॉ अ ट्रेल एज द स्प्राइट मूव्स ऑन द स्टेज चिल्ड्रेन जो पेन ब्लॉग होता है उसमें क्या उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हम क्या करते हैं जो हमारा स्प्राइट है स्टेज के ऊपर उसके पीछे हम क्या लगाते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं एक ट्रेड लगाते हैं कलर की ईच पेन कलर हैज डिफरेंट शेड्स डेट वेरी फ्रॉम द लाइटेस्ट टू द डार्केस्ट हर पेन कलर की क्या है चिल्ड्रन डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं ठीक है जो वेरी करती है लाइट टू डार्क पेन शेड वेरीज फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड जो पेन शेड है वो ज़ीरो टू हंड्रेड वेरी करती हैं जिससे कि जो ज़ीरो होती हैं वो डार्केस्ट के लिए और हंड्रेड है लाइटेस्ट के लिए लेट अस ऑब्जर्व दिस विद द हेल्प ऑफ अ गिवन एग्जांपल हम एक एग्जांपल करेंगे सो so, उसके लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे चिल्ड्रन डिलीट द कैट स्प्राइट एंड ऐड बटरफ्लाई थ्री स्प्राइट ऑन द स्टेज ये बटरफ्लाई थ्री बटरफ्लाई थ्री स्प्राइट है जो हम स्टेज पर ऐड करेंगे सेकेंड स्टेप इज सेलेक्ट देन ब्लॉक पैलेट हम पेन ब्लॉक पैलेट को क्लिक करेंगे क्लिक एंड ड्रैक द चेंज पेन शेड बाई टेन ब्लॉक ऑन द स्क्रिप्ट एरिया और पेन ब्लॉक में से हम सेलेक्ट करेंगे चेंज पेन शेड बाई टेन हमने यहाँ पर इस स्क्रिप्ट एरिया में हम लेके आए इस ब्लॉक को देन ड्रैक सेट पेन साइज टू वन एंड पेन डाउन ब्लॉक एंड प्लेस देम अंडर द चेंज पेन शेड बाई टेन ब्लॉक उसके बाद इसके नीचे हम लाएंगे सेट पेन साइज टू टेन एंड पेन डाउन ब्लॉक को ठीक है ये सेट पेन साइज टू वन है इसकी वैल्यू हम चेंज करके टेन कर देंगे चेंज द वैल्यू ऑफ टेन इन सेट पेन साइज टू वन ब्लॉक ओके नाउ सेलेक्ट द मोशन ब्लॉक मैन्यू एंड ड्रैग द मूव टेन स्टेप्स ब्लॉक ऑन द स्क्रिप्ट एरिया उसके बाद हम मोशन ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और ये जो स्क्रिप्ट है मूव टेन टेन स्टेप्स इसे हम यहाँ पर पेन डाउन के नीचे रख देंगे उसके बाद नाउ सेलेक्ट द रिपीट ब्लॉक फ्रॉम द कंट्रोल ब्लॉक मैन्यू एंड प्लेस इट ओवर द स्क्रिप्ट और जो स्क्रिप्ट है, है हमारी इसके ऊपर हम इसे रिपीट वाले जो ब्लॉक है उसे प्लेस करेंगे क्लिक ऑन एनी ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एंड ऑब्जर्व द स्ट ड्राॅइंग अ लाइन विद अ चेंज इन दैन शेड उसके बाद हम किसी भी ब्लॉक जो स्क्रिप्ट हमारी किसी के भी कोई से भी ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा स्प्राइट है वो एक लाइन बना रहा है जिसमें क्या हो रहा है उसका जो पेन शेड है वो चेंज हो रहा है अब हम करे हैं चेंजिंग पेन शेड तो उसके लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कैट का स्प्राइट है हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे और बटरफ्लाई थ्री स्प्राइट को यहाँ पर स्टेज पर ऐड करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर इसको कर दिया डिलीट ओके okay, यहाँ पे है न्यू स्प्राइट का ऑप्शन नीचे तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट करूँगी बटरफ्लाई वाला स्प्राइट सिलेक्ट करूँगी ओके okay, बटरफ्लाई थ्री वाला स्प्राइट हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है ओके okay, सो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है अब हम यहाँ पर करेंगे आ, क्या बनाएंगे क्या क्रिएट करेंगे स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे सो सबसे पहले चिल्ड्रन मैं यूज़ करूँगी पेन ब्लॉक का क्योंकि हमें पेन शेड को चेंज करके दिखाना है ना तो हम पेन ब्लॉक का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे चेंज शेड ठीक है चेंज पेन शेड का जो ब्लॉक है इसे सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पे हम टाइप करेंगे टेन

ट्रोल ब्लॉक भी ब्लॉक भी उसके है रिपीट ब्लॉक अब हम किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो क्या बनेगी बटरफ्लाई के साथ एक ट्रेल बनेगी ओके okay, जिसमें क्या हो रहा है कलर भी चेंज हो रहा है पेन शीट इज़ीरोन पेन कलर विल बी क्लोज़ टू ब्लैक अगर हम पेन शीट ज़ीरो कर देंगे तो क्या होगा कलर डार्क होगा कलर ब्लैक होगा इफ़ द पेन शीट इज़ हंड्रेड द पेन कलर विल बी क्लोज़ टू व्हाइट अगर अगर हम पेन शीट हंड्रेड कर देंगे तो वो लाइटेस्ट होगा तो वो वाइट के नियर आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग द बैक ड्रॉप ऑफ द स्टेज तो हम कैसे बैकड्रॉप चेंज करते हैं स्टेज की द न्यू बैकड्रॉप आइकन आर यूज टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज टू ये न्यू बैकग्राउंड बैकड्रॉप का आइकन है इससे हम जो स्टेज का बैकग्राउंड है वो चेंज करते हैं वी कैन इधर क्रिएट आर ऑन बैकड्रॉप और चूज एनी बैकड्रॉप फ्रॉम द अवेलेबल इन ऑप्शन हम खुद का भी बैकड्रॉप क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो हमारे पास स्क्रैच के अंदर बिल्डिंग ऑप्शन हैं जो पहले से अवेलेबल हैं, हम उसमें से भी चूज़ कर सकते हैं स्क्रैच प्रोवाइड्स फोर डिफरेंट ऑप्शन टू चेंज द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज स्क्रैच हमें फोर ऑप्शंस देता है डिफरेंट डिफरेंट जिससे हम स्टेज का जो बैकड्रॉप है वो चेंज कर सकते हैं सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ चूज़ ड्रॉप फ्राम लाइब्रेरी लाइब्रेरी से अगर बैकड्रॉप चेंज करना हो चूज करना हो चिल्ड्रन तो हम कैसे करेंगे To choose a backdrop from the scratch library, click on this option. तो so, हम इन option pe click क्लिक करेंगे the backdrop library window pop ups अप्स तो hum हम इस साइट पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा जो बैकड्रॉप लाइब्रेरी है उसकी विंडो हमारे पास पॉपअप हो जाएगी ओपन हो जाएगी द लाइब्रेरी इज divided into टू sections. सेक्शंस जो लाइब्रेरी है वो टू सेक्शन्स में डिवाइड हो जाएगी कैटेगरी एंड थीम सेलेक्ट द डिज़ायर थीम हम थीम को सेलेक्ट करेंगे जो हमें अच्छी लगेगी चूज एनी बैकड्रॉप फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट एंड क्लिक ओके जो हमारे पास डिस्प्ले लिस्ट है हम उसमें से कोई भी बैकड्रॉप को क्लिक चूज़ uh, करेंगे और ओके okay पर क्लिक करेंगे द सेलेक्टेड थीम विल बी सेट एज द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज जो हमने थीम सेलेक्ट करी है वो हमारे जो स्टेज है उस पर अप्लाई हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप है चिल्ड्रन पेंट न्यू बैकड्रॉप दिस ऑप्शन विल ओपन द बैकड्रॉप विंडो एडिटर इस ऑप्शन पर क्लिक करने से इस ऑप्शन पर क्लिक करने से क्या होगा एक बैकड्रॉप विंडो एडिटर ओपन हो जाएगा वेयर वी कैन क्रिएट अव बैकड्रॉप विंडो अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट जहाँ पर हम एक बैकड्रॉप विंडो क्रिएट कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट किया है ये क्या है बैकड्रॉप लाइब्रेरी है ये हमारे पास थीम्स हैं जो भी हमें अच्छी लगेगी हम वो यहाँ से चूज कर सकते हैं रोके पर क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है, है चिल्ड्रन अपलोड बैकड्रॉप फ्रॉम फाइल तो ये है अगर हमें फाइल से बैकड्रॉप सेलेक्ट करना है तो हम इस साइन पे क्लिक करेंगे इस सिम्बल पर इस आइकन पे क्लिक करेंगे क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑपम्स दिलेक्ट फाइल टू अपलोड बाय दिस लिंक डायलॉग बॉक्स इससे क्या होगा जो आ, फाइल हमें सिलेक्ट करनी है हम वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं इस लिंक से सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल फॉर बैकड्रॉप एंड क्लिक ऑन दी ओपन बटन जो हमें अच्छी लगेगा ब्रैक बैकड्रॉप हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं और ओपन बटन पे क्लिक कर सकते हैं द सेलेक्टेड इमेज विल भी अपलोडेड फॉर द बैकट्रॉप और जो इमेज हमने सेलेक्ट की है वो बैकड्रॉप में बैकड्रॉप के लिए अपलोड हो जाएगी और नेक्स्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन न्यू बैकड्रॉप फ्रॉम कैमरा तो ये कैमरे का साइन है अगर हमें कैमरा से बैकड्रॉप को सिलेक्ट करना है सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन अलाउज अस टू क्लिक एन इमेज यूजिंग द बिल्ट इन कैमरा ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम तो इस ऑप्शन से क्या होगा चिल्ड्रन हम इमेज क्लिक कर सकते हैं हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम में कैमरा है ठीक है हम उससे इमेज क्रिएट कर सकते हैं एंड इम्पोर्ट इट ऑन टू द स्टेज एज अ बैकड्रॉप और जो इमेज हमने क्लिक करी है उसको हम स्टेज uh, का बैकड्रॉप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है न्यू बैकड्रॉप का और हमारे यहाँ हमारे पास यहाँ पे फोर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं तो हम यूज़ करेंगे फ्रॉम लाइब्रेरी वाला ऑप्शन चूज़ बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी तो हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है डिफरेंट डिफरेंट बैकड्रॉप्स आ गए हैं चिल्ड्रन यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं तो हम यहाँ से कोई भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर सकते हैं मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ स्पॉटलाइट स्टेज को ओके तो मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट स्टेज को सिलेक्ट कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है ओके पर ठीक है तो हमारे स्टेज पे क्या है पैकटॉप आ गया टॉपिक इज प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स तो इसमें क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं स्केच में इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं साउंड ब्लॉक का द साउंड ब्लॉक प्रोवाइड्स डिफरेंट ब्लॉक्स टू एड म्यूजिक टू आर स्क्रैच प्रोजेक्ट सो जो साउंड ब्लॉक है वो हमें बहुत सारे ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम हमारे स्क्रैच प्रोजेक्ट में म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं इट ऑल्सो प्रोवाइड्स म्यूजिक बेस्ड ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द सेट इंस्ट्रूमेंट्स टू डैश ब्लॉक तो इसे हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट 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 इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं दिस ब्लॉक सेट्स द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डेट इज फ्राइट यूजिस टू प्ले द नोट तो इसमें क्या होगा इसमें इंस्ट्रूमेंट का टाइप इस ब्लॉक में सेट होगा जो कि स्प्राइट जिसका नोट प्ले करेगा देर आर ट्वेंटी वन डिफरेंट इन बिल्ड इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम विच वी कैन सिलेक्ट द डिज़ायर वन हमारे पास स्क्रैच में ट्वेंटी वन डिफरेंट इन बिल्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं ठीक है जिसको हम जिसमें से हम हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं वी कैन ऑल्सो सेट द नोट्स फॉर द इंस्ट्रूमेंट फॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बीट्स और हमें कितनी बीट्स चाहिए कितनी नंबर ऑफ बीट्स चाहिए इंस्ट्रूमेंट की हम वो भी सेट करते हैं द नोट्स आर सिग्निफाइड बाई नंबर्स जो नोट्स हैं वो किससे सिग्निफाई होंगे नंबर से सिग्निफाई होंगे लेट इस क्रिएट अ डांसिंग स्प्राइट प्रोजेक्ट एज शोन इन फिगर्स सेवन पॉइंट सेवेंटीन ओके द स्प्राइट यूज हेयर इज कैसी डांस ओके ये स्प्राइट का नेम है जो कि प्रेजेंट होता है पीपल ग्रुप में एंड द बैकड्रॉप इज द स्पोट लाइट स्टेज और जो इसका बैकड्रॉप है वो है स्पॉटलाइट स्टेज प्रेजेंट इन द म्यूज़िक एंड डांस ग्रुप जो कि कहाँ प्रेजेंट है म्यूजिक और डांस ग्रुप में प्रेजेंट है ओके सो चिल्ड्रन इधर है साउंड uh, प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट दी हुई है हम उसे अब अप्लाई करके देखते हैं सो so, देखिए चिल्ड्रन यहाँ पर मैंने आ, जो बैकग्राउंड है उसे स्पॉटलाइट स्टेज सेलेक्ट कर लिया है और जो स्प्राइट है वो भी मैंने कैसे डेंस जो पीपिल ग्रुप में प्रेजेंट होता है उसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और जो बुक में स्क्रिप्ट अवेलेबल है मैंने वो भी यहाँ पर टाइप कर दिया है तो चिल्ड्रन यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं जैसे कि प्ले ड्रम वाला जो ब्लॉक है इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रम्स हैं तो यहाँ पे हम जो ड्रम का टाइप है उसकी जो साउंड है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं अब हम इसे रन करके देखेंगे चिल्ड्रन ठीक है सो आप इधर देखना स्टेज पर कि क्या होता है ओके okay. अब हम इस ब्लॉग को रन करते हैं देखिए चीज हम ड्रम की आवाज आ रही है ओके तो हम ऐसे साउंड ब्लॉक का यूज करते हैं